नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कागा तीर्थ स्थित शीतला माता मंदिर में सोमवार से शीतला माँ मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया। गाजे बाजों के साथ प्रथम पूज्य गणेश व माता शीतला के पूजन के बाद मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सप्तमी पर माता को भोग लगाया गया। घरों में भी शीतला माता, ओरी माता, अचपड़ा जी व पंथवारी माता का प्रतीक बनाकर पूजन किया गया। हालांकि जोधपुर में अष्टमी मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन अष्टमी पर मंगलवार होने के कारण अधिकांश शहरवासियों ने आज माता को भोग लगाया। कल अष्टमी तिथि पर भी मां को भोग लगाया जाएगा। नागौरी गेट कागा की पहाड़ियां स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। 7 दिन तक चलते रहने वाले इस मेले की सोमवार को विधिवत रूप से ध्वजारोहण के साथ शुरुआत की गई, जिसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मेले में जोधपुर सहित आसपास के विभिन्न जिलों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। शीतला माता कागा तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष निर्मल कछवाहा ने बताया कि मेले के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मेले के दौरान महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूर्व संध्या में शीतला ट्रस्ट की ओर से मेले का शुभारंभ किया गया और शुभारंभ के अवसर पर जोधपुर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे हैं। ये मेला कल से प्रारंभ होकर ये 15 दिन तक ये मेला चलेगा। जो मारवाड़ के गांव-गांव में लोगों की आस्था है कि शीतला माता के कृपा बनी रहे, जिसके कारण ओरी, चेचक, माता जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम सब की मां रक्षा करे, इस ध्यान में रखते हुए हमारी परंपरागत होली का उत्सव के रूप में है। यहाँ अनेक प्रकार की गहरे आती है, भक्तजन श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस कारण मेले की व्यवस्था नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा ही हो रही है और ट्रस्ट ने अति उत्तम व्यवस्था की है और सराहनीय काम किया है कि हर साल मेले को अच्छे ढंग से व्यवस्थित चला रही है। आगा मेले का आगाज आज माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, शहर विधायक अतुल जी बंसाली, महापौर उत्तर कुंती जी परियार, राजेंद्र जी सोलंकी एवं गणमान्य नागरिकों की अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। यह मेला 15 दिन चलेगा। इस मेले में 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा। यह मेला अब क्या विशेष एक अभियान हमने चलाया है कि जो भी श्रद्धालु प्रसाद लेकर आवे वो गिल्ला और सूखा का पैकेट अलग अलग बना के लावे, ताकि वो प्रसाद वेस्ट नहीं हुए और आगे किसी के काम आवे। और मैं जोधपुर की जनता के लिए ये कामना करता हूँ माता से कि वो हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहे। धन्यवाद। मारवाड़ का प्रसिद्ध शीतला माता मेला का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, अध्यक्षता श्री राजेंद्र जी गहलोत राज्यसभा सांसद और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री जोगाराम जी पटेल कानून मंत्री, शहर विधायक श्री अतुल जी बंसाली, सुसागर विधायक श्री देवेंद्र जी जोशी, महापौर उत्तर श्रीमती कुंती देवी, महापौर दक्षिण श्री वनिता सेठ, पूर्व JDA चेयरमैन महेंद्र सिंह जी राठौर, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी सालिचा व अन्य गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति में होगा ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लेके ट्रस्ट ने पूरी तैयारियां कर रखी है। हाल ही में मंदिर का एक जीर्णोद्वार हुआ है, जिसमें पूरा मंदिर को वातानुकूलित किया गया है और मंदिर में सुरक्षा हेतु 40 कैमरे लगाए हैं और सुरक्षाकर्मी ट्रस्ट ने अपने खुद के तैनात किए हैं। और इस बार हर बार की बात, इस बार भी जो है पॉलीथिन मुक्त रखा है मंदिर क्षेत्र को। और इस बार एक विशेष ये क्या है, विशेष ये किया गया है कि रोबिन ग्रुप से हमने एक टाइप किया है, जिससे कि जो भी प्रसाद जो चढ़ाते हैं श्रद्धालु, वो प्रसाद अन्न जो है वो नष्ट ना हो, उसके लिए वो ग्रुप जो है उस प्रसाद को आगे कैसे उसका सदुपयोग हो सकता है वो काम करेगा। और पुलिस और नगर निगम जी जो है व्यवस्था सुचारू रूप से हो चुकी है और मैं जोधपुर वासियों को शीतलाष्टमी की बधाई देता हूँ और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ और निरोग रहे। धन्यवाद। मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा, 24 घंटे दर्शनार्थी कभी भी आ सकते हैं।
और हमारे 32 पुजारियों की जो टीम है वो हर दो दो घंटे में जो है ड्यूटी चेंज होगी उनकी और सुचारू व्यवस्था कर रखी है दर्शन। निर्मल कछवा, अध्यक्ष, शीतला माता काका तीर्थ।